अभी आपको इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन और उसके हाथ में जल रहा एक बल्ब। यहाँ पर मेन बात यह है कि इस बल्ब से कोई तार कनेक्ट ही नहीं है। ये फोटो आज के टाइम में काफी नॉर्मल है, बट ये फोटो 100 ईयर से भी ज्यादा पुराना है। और इस फोटो में ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि खुद निकोला टेस्ला है, जिन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा वेपन भी बनाया था जो 400 किलोमीटर दूर भी किसी एरोप्लेन के पंख को मेल्ट कर सकता था, और उस डिवाइस का नाम था द डेथ रे। और यहाँ तक वो ऐसे डिवाइस को भी इन्वेंट कर चुके थे जो आर्टिफिशियली अर्थक्वेक लाने में कैपेबल था। और क्या आप सोच सकते हो कि उस डिवाइस का साइज कितना रहा होगा? वेल, उसका साइज केवल एक स्मार्टफोन जितना था, मतलब जिसे वो अपने पॉकेट में आसानी से रख सकते थे। इनफैक्ट इस डिवाइस के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें एक दिन जब टेस्ला न्यूयॉर्क के एक फेमस ब्रिज पर टहलने जाते हैं तो उस पॉकेट डिवाइस से एक टाइप का वेव जनरेट हुआ जिसके इफेक्ट से लिटरली पूरा ब्रिज गिर गया। टेस्ला ने ऐसे कई इन्वेंशन किए थे जो समय के साथ विलुप्त हो गए, बट आज के टाइम में भी वो इन्वेंशन इम्पॉसिबल से जान पड़ते हैं। जिसमें उनका पहला इन्वेंशन था थॉट कैमरा। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता लगाना है काफी सिंपल है कि आखिर इसका काम क्या हो सकता है, तो जब एक बार निकोला टेस्ला का एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें टेस्ला ने अपने कुछ इन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बताया कि जब वो 1883 के आसपास ह्यूमन आइज को लेकर काफी सारे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अलग सा नोटिस करा कि जब कोई इंसान किसी चीज को लेकर इमेजिनेशन कर रहा होता है या फिर उसके बारे में सोच रहा होता है तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से उस इमेजिनेशन की एक छोटी सी पिक्चर उसके रेटिना में कैप्चर हो जाती है, और इसे को रीड करके अपने विजुलाइजेशन की हेल्प से अपने इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। इस पर उनका आइडिया काफी सिंपल था कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पर क्रिएट होती है और फिर किसी सिंपल अपैरेटस की हेल्प से उसे रीड करके प्रोजेक्ट किया जाए तो हमारी आईज किसी प्रोजेक्टर की तरह वर्क करेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा दिमाग एक खुली किताब की तरह हो जाएगा और कोई भी किसी का भी दिमाग आसानी से पढ़ सकेगा। बट उनके इस इन्वेंशन को पब्लिसिटी ना मिलने के रीजन से ये थॉट कैमरा समय के साथ विलुप्त हो गया। दरअसल थॉट कैमरा में फेल होने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर अपना रिसर्च चालू किया। अब क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली थी पर उसे वायरलेसली सभी घरों तक पहुंचाने के लिए वो एक डिवाइस की खोज में थे, एक ऐसी डिवाइस जो काफी छोटा बट पावरफुल भी था, और इस डिवाइस को नाम दिया स्टीम पावर ऑसिलेटर। बट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एक अर्थक्वेक मशीन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये डिवाइस एक टाइप की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी से मैच होगी तो इजिली सिस्टम में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उस डिवाइस को उन्होंने ऑन किया उनकी पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगी। अगर इस पूरे इंसिडेंट के पीछे की साइंस की बात करें तो आपने उन सिंगर्स के बारे में तो सुना ही होगा जो आवाज निकाल कर सामने रखे ग्लास को ब्रेक कर देते हैं। दरअसल इसमें होता ये है कि जब वो गाने की शुरुआत करते हैं तो उनकी हाई पिच सिंगिंग की वजह से उस ग्लास की फ्रिक्वेंसी उनके साउंड की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है और ग्लास ब्रेक हो जाता है। और टेस्ला के ऑसिलेटर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जिसमें ऑसिलेशन का एल्टीट्यूड इतना बढ़ गया कि उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्डिंग की नेचुरल वाइब्रेशन के साथ मैच करने लगी और नतीजन अर्थक्वेक आ गया। और वो इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सट्रीम लेवल पर करने के लिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए, और वहां पर जब इस डिवाइस को ट्राई किया तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें यही सेम रिजल्ट देखने को मिला। अब क्योंकि टेस्ला उस टाइमलाइन से बिलोंग करते थे जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी आंखों के सामने 120 मिलियन से भी ज़्यादा निर्दोष लोगों को मरते हुए देखा था। उस वक्त तो खैर वो कुछ कर नहीं पाए, बट शायद उन्होंने ऐसा कुछ जरूर ठाना था कि वो कुछ ऐसा इन्वेंशन करेंगे जिससे फ्यूचर में ऐसा वार कभी भी ना हो, इसीलिए उन्होंने ऐसे दो डिवाइसेस को इन्वेंट किया जिससे कुछ ही समय में बड़े से बड़े वॉर को तत्काल रोका जा सके, जिसमें पहला डिवाइस था आर्टिफिशियल टाइड वेव और दूसरा था द डेथ रे। अगर टाइड वेव की बात करें तो वो एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एटॉम बॉम्ब जितनी एनर्जी थी, और साथ ही इसका मैकेनिज्म भी काफी सिंपल था, जिसमें पानी के अंदर इन्हें अलग अलग जगहों पर सेट करने के बाद इसके रीजन में जैसे कोई बैटलशिप एंटर करे उसका बटन ऑन करने पर एक 30-40 मीटर का ऊंचा टाइड जनरेट होगा और पूरी शिप डूब जाएगी। और अब डेथ रे की बात करें तो टेस्ला ने सबसे पहले 1934 में एक इंटरव्यू के दौरान इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया,
और इस डिवाइस को नाम दिया टेलीफोर्स या डेथ रे, जिसकी हेल्प से 400 किलोमीटर दूर किसी भी ऑब्जेक्ट को खत्म किया जा सकता था या फिर किसी भी कंट्री के अराउंड इनविजिबल इलेक्ट्रिक शील्ड को क्रिएट किया जा सकता था, जिसे अगर किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की तो वो तुरंत जलकर राख में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो अपने इस आइडिया को लेकर USSR गवर्नमेंट के पास पहुंचे तो वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और किसी भी तरीके की हेल्प करने से भी मना कर दिया जाता है। इन सब के बावजूद टेस्ला श्योर थे और कहा, जिस चीज को लोग आज के टाइम में फेक समझ रहे हैं मैंने ऑलरेडी कर लिया है। और उन्हें इंतजार था तो बस उस टाइम का जब वो अपने इस डिवाइस को लॉन्च करते, और इससे पहले कि वो अपने इस डिवाइस को लॉन्च कर पाते, उससे पहले एक होटल में मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि उनका कोई इन्वेंशन आज हमारे बीच नहीं है, बट उन्होंने ऐसी ऐसी थियरी को इंट्रोड्यूस किया है जिस पर काम करके आज भी साइंटिस्ट बड़े बड़े इन्वेंशन में जुटे हुए हैं। साथ ही टेस्ला 369 इस नंबर को काफी पावरफुल मानते थे और वो मानते थे कि इसका कनेक्शन यूनिवर्स से जरूर है। अगर आप इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।